जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो अभी हमारा बेबी ठीक है, तो उसको गए संडे तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो अभी थोड़ा ठीक है। फिर भी थोड़ा सर्दी है, अभी तो थोड़ा ठीक है, पहले से अभी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। बस मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो बस हमारे लिए दुआ करें और हमारे बेबी के लिए भी। तो आज मंडे है तो अमीन स्कूल गया है, तो अभी माहिन को तो नहीं भेजी, मैं अम्मी के घर पे हूँ। तो अमीन का बैग यहीं पर था तो इसलिए अमीन गया है स्कूल, तो माहिन यहाँ पे है, बेटी है। तो अभी अमीन जा चुका है, तो अब आज मैं भी जाऊँगी घर शाम में। तो थोड़ा सब्जी वगैरह लेने का भी है, तो घर में कुछ सामान लेने का है तो दुकान का, वो लेके हम लोग जाएंगे। तो चलिए अभी आपको मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट अमीन आया है, देखिए यहाँ पे स्कूल से। सलाम करो अमीन। सलाम अलैकुम। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस चैनल का आगे बढ़ाओ। गुड बॉय। तो फ्रेंड्स अभी अमीन होमवर्क कर रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आयशा सोई है और अम्मी यहाँ पे बैठे हैं। तो हस्बैंड सब यहाँ पे लेटे हैं। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे भी इसी ब्लॉग में बेबी का फेस भी रिवील होगा इंशाल्लाह। तो हम लोग जाएंगे घर। जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिएगा। अभी अमीन होमवर्क कर रहा है, वैसे भी अभी घर भी जाएंगे, रात को जाएंगे। थोड़ा अमीन का होमवर्क भी है, वैसे भी थोड़ा हस्बैंड साहब रेस्ट कर रहे हैं, तो वो बेबी का फेस रिवील होगा इंशाल्लाह। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और यहाँ पे देखिए हमारा बेबी भी उठ रहा है। तो आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हमारे बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसको सर्दी की वजह से, उसके कफ हुआ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पा रही थी। आप लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे हैं और हमारे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करे हैं, इसीलिए हमारा बेबी भी ठीक है। वैसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाइए। और अभी हम लोग भी जाएंगे घर, अम्मी के घर पर आए थे हम लोग जुमेरात के दिन, गए जुमेरात आए थे। तो आज हमारे घर में तो संडे के दिन फंक्शन था, इंगेजमेंट थी हमारे घर में, भाई की बेटी की इंगेजमेंट थी। तो वो इंगेजमेंट का भी मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं ले पाई क्योंकि बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए। और वैसे भी मैं भी कुछ भी ब्लॉग भी बनाने को मन नहीं हो रहा था बेबी की तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से, मुझे भी सर्दी हो रही थी और इसको भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए। और आप लोग पूछ रहे थे क्या हुआ करके, तो उसको बस सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ़ हो रही थी, कफ हो गया था उसे, इसलिए उसको यहाँ पर इलाज कराए थे, ट्रीटमेंट हो रहा था यहाँ पे उसका, फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा था। तो हम लोग गए थे हमारे गांव, आप देख चुके होंगे वीडियो में, हम लोग गए थे हानगल। तो वहाँ पे उसको वहाँ पे लेके गए थे, तो उसको जड़ी बूटी की दवाई देते, तो उसी से वो आराम हुआ है। तो यहाँ की कुछ भी दवाई नहीं लग रही थी उसे, तो इसलिए हम लोग गए थे वहाँ पर। तो अभी तो वो ठीक है, कफ वगैरह कम हुआ है, बस सर्दी और थोड़ी है उसको, धीरे धीरे वो भी चले जाएगी, बस आप लोगों की दुआ है। तो और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, और मैं बनाने का तो रीज़न आपको तो पता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो यहाँ पे छोटी सी गली है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो आपको घर जाके ही मिलती हूँ, इसी में थोड़ा सा बेबी का फेस भी रिवील करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे बेबी को भी देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बस मैं आपको दिखा रही हूँ वो कैसा है। तो देखिए वो कैसा है मेरा बेबी। तो चलिए आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रुको जरा सबर।